बुधवार को रामनगर में प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा से निपटने को लेकर प्रशासन द्वारा किए जाने वाले राहत और बचाव कार्यों को लेकर विभागों को आपसी सामंजस्य बनाने का संदेश दिया। एसडीएम गौरव चटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में उत्तराखंड में आए तो भूकंप के झटकों को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सरकार तो आपदाओं से गुजर चुकी है। उन्होंने बताया कि आज नैनीताल जिले में मॉक ड्रिल के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर रामनगर डिग्री कॉलेज में स्टेजिंग एरिया बनाया गया था और मॉक ड्रिल के माध्यम से सूचना दी गई कि मोहल्ला खताड़ी स्थित एक पुराने भवन ढहने से उसमें करीब 30 से 35 लोग इस आपदा में फंस गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस भवन में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के बाद कुछ घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया और कुछ घायलों का इलाज स्टिचिंग एरिया में किया गया, जबकि गंभीर घायलों को सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से सभी विभागों को सचेत किया गया कि आपदा के दौरान सूचना मिलने पर सभी विभाग आपसी सामंजस्य बनाकर ऐसी सूचनाओं पर तत्काल मौके पर पहुंचने के साथ ही आपदा पीड़ितों को राहत और बचाव कार्य तेज गति से पहुंचाए। देखिए, जैसे आपको विदित है कि पिछले कुछ समय में जो है भूकंप के झटके जो है वो उत्तराखंड में महसूस किए गए, 2 बार ऐसा हो चुका है, तो उसी के मद्देनजर आज नैनीताल जिले में जो है इसके लिए एक मॉक ड्रिल यानी पूर्वाभ्यास किया जा रहा है कि सभी इससे ताकि सभी डिपार्टमेंट जो है ऐसी किसी भी आपदा में आपसे समन्वय करके जो है उसको ठीक प्रकार से कर सकें, लोगों के पास पहुँच सकें। तो उसी के लिए आज ये पूर्वाभ्यास में हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि भूकंप आ चुका है और एक जगह, क्योंकि ये पूरा अभ्यास है तो इसको बहुत सारी जगहों पर ना करके जगह चुनते वहाँ पे हमने ये माना है कि वहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग थी, जैसे आप देख रहे हैं इंटर कॉलेज के पास आवासीय बिल्डिंग है और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग जो है ये भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई है और उसमें 30-40 लोग के फंसे होने की संभावना है। तो उसमें से अब ये सारी हमारी टीम यहाँ पहुँच के उसको रेस्क्यू कर रही है, लोगों को निकाल रही है और उसमें से कुछ जो जिस तरह की अवस्था होगी एज्यूम करते हुए कि जो कम घायल होंगे उनको यहाँ के हॉस्पिटल में कुछ को हम जो है स्टेजिंग एरिया में ले जाएंगे और वहाँ से जो डॉक्टर की टीम है आगे तय करेगी कि उसका उनको कहाँ किस तरह से मेडिकल एड देनी है। तो उसका ये प्रयास चल रहा है। अभी हम लोग, मैं इंसिडेंट कमांडर यहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ सीओ साहब और पूरे जो अन्य विभाग के लोग हैं जो उसमें सहायता कर रहे हैं वो सब यहाँ उपस्थित हैं। तो यहाँ से हम सबको रिकवर करके हम लोग कुछ लो जो है उनको स्टेजिंग एरिया में ले जाएंगे, कुछ को हॉस्पिटल भेजेंगे। तो इस तरह का पूर्वाभ्यास है ताकि रियल आपदा आने पर सभी विभागों के बीच आपसी समन्वय सही प्रकार से हो सके और आपदा का कार्य जो है वो सही प्रकार से किया जा सके। फ्रॉम इंसिडेंट कमांडर रामनगर, यहाँ सर नमस्कार। भैया थोड़ा सा बचाइए, बचाइए, बचाइए भैया। बहुत नहीं बताता हूँ क्या है, शेर सिंह नाम क्या बेटा?
मुझे कैसे पता लगा? हम्म, मैं तो इधर को आ रखा था तो पता लगा। मैं तो चौकी पे बैठा था। मैं भी बताओ तो कहाँ गए हो? तो पूछ रहे थे अभी। हेलो, ये बता दो कि एक को सुषमा तिवारी रिफर कर रहे हैं और एक को जो है दोन को रामनगर हॉस्पिटल से रिफर कर रहे हैं। टोटल है एक दो आठ लोग हैं। हाँ, एक 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 दो तीन चार पाँच छः सात आठ। बढ़िया, भेज दीजिए आरटीओ साहब से कह के। एम्बुलेंस भी सही होंगे। हाँ, अच्छा, आप पढ़ते हो तो आपको कैसे चोट लगी? खतरे से तो बाहर है ना।